सो हेलो व्हाट्सअप कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सबका इन दिस रिवीजन वीडियो जहां हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन ऑफ एस ए टू बिल्कुल भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मजा आ जाएगा एकदम बढ़िया तरीके से रिवाइज करके सो so, ऐसे 210 किसकी बात करता है सर सबसे पहले तो ये वन नहीं आई है ये वन नहीं आई है आई फॉर एंगेजमेंट आई फॉर एंगेजमेंट दैट इज एग्रींग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट यानी हम एग्रीमेंट करेंगे मैनेजमेंट तो so, सबसे पहले तो सर आता हमारा है. कंटिन्यू करेंगे अगर सेकंड टाइम एंगेजमेंट है कब जब बेसिस एग्रीड है अब सर ये बेसिस क्या बला है बेसिस है दो चीज पहले तो आपके और मैनेजमेंट के बीच में ना कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थोड़ा भाव होना चाहिए कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पूरी होंगी तभी हम ऑडिटर ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे ऑडिट एक्सेप्ट अच्छा मतलब करेंगे तो ऑडिट किसका कर रहे हैं ऑडिट से पहले आया फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले क्या आया एफआरएफ क्योंकि उसी हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया तो सबसे पहले तो चेक करो एफआरएफ इज एक्सेप्टेबल एफ आर एफ इज एक्सेप्टेबल अब एफ आर एफ एक्सेप्टेबल है कि नहीं इसके हमने पांच कंडीशन पढ़े थे लास्ट में सर जल्दी से बताओ पांच कंडीशन क्या थे सबसे पहले तो दो पॉइंट थे नेचर के जल्दी से बताओ नेचर नेचर क्या पॉइंट थे नेचर नेचर क्या पॉइंट थे नेचर ऑफ द एंटिटी नेचर ऑफ द द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नेचर ऑफ एंटिटी का क्या मतलब है ये प्रॉफिट मेकिंग है नॉन प्रॉफिट मेकिंग क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग में पीएनएल आता है नॉन प्रॉफिट मेकिंग में इनकम एंड एक्सपेंडिचर आता है तो दोनों का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अलग है हाँ सर नेचर ऑफ द एंटिटी का क्या मतलब है सर नेचर ऑफ द एंटिटी हो गया नेचर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब है क्या ये कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जैसे कि सिंगल कैश फ्लो स्टेटमेंट दे दिया फिर आता है सर तीसरा लॉ और रेगुलेशन ये भी हमको समझ में आ गया और इसके साथ साथ आपको बस एक पॉइंट और ध्यान में रखना होता है सर क्या पर्पस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कम ऑन पर्पस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या ये जनरल यूजर्स के लिए बनाया गया या किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए बनाया गया दैट इज अ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू यस सर अब जब एक बार आपका एफ आर एफ एक्सेप्टेबल है तो बस ये देख लेना मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर रही है सर रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज को लेके वो आपको ऑलरेडी मैंने प्रिमाइस वाले टॉपिक में पढ़ा दिया पहले तो पीपीएफएस एस एस पर एफ आर एफ डिम ऑफ आईसी टू मेक श्योर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटीरियल में स्टेटमेंट एंड द लास्ट पॉइंट इज टू प्रोवाइड द ऑडिटर दू सर आऊ का क्या मतलब था ऑल इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ऑल दो विद इन द एंटिटी फ्रॉम होम ही कंसिडर इट इज नेसेसरी टू ऑपटेन द ऑडिट एविडेंस अगर सर प्री कंडीशन नहीं तो नॉर्मल सी बात है मेरी शर्तें पूरी नहीं करोगे तो मैं ऑडिट भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा अच्छा ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले ही मैनेजमेंट ने शुरू कर दिए। हम तुम्हें ये नहीं देंगे हम तुम्हें वो नहीं देंगे और इस वजह से ऑडिटर एंड में अपना ओपिनियन डिस्क्लेम कर देगा वो अपना ओपिनियन देगा ही नहीं तो क्या आप ऐसा ऑडिट एक्सेप्ट करोगे मैंने कहा नहीं डोंट एक्सेप्ट सच ऑडिट एंगेजमेंट अच्छा कंटेंट्स ऑफ द एग्रीमेंट बताओ जल्दी से सर ये एक सर्विस है तो सर्विस प्रोवाइडर का ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप आएगा फिर वर और वधु की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को किससे लिंक किया FRF से ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को किससे लिंक किया फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट दैट में आल्सो चेंज इन सर्टेन सर्कमस्टांसिस सर चेंज कैसे हो जाएगी अरे यार कभी कैम डालना पड़ता है कभी ईओएम डालना पड़ता है कभी ओम डालना पड़ता है कभी भी कोई भी पैरा डल जाता है अच्छा एक बात बताओ सर हम ना पिछली बार आए थे कब पिछले साल आए थे जब हम पिछले साल आए थे तो हमने एक एंगेजमेंट लेटर एंटर किया था क्या इस बार नया एंगेजमेंट लेटर एंटर करना पड़ेगा इस बार के ऑडिट के लिए मैंने कहा इट डिपेंड्स याद है हमने पेयरिंग की थी पहला पेयर किस चीज का है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई उसके बाद क्या था धंधा बदल गया धंधा चलाने वाले बदल गए सिग्निफिकेंट चेंज इन बिजनेस सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप और अ रिसेंट चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट प्लस आपका एफआरएफ चेंज हो गया रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट चेंज हो गई या अदर

बट लॉ रेगुलेशन कहता है इसी के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे तो ऑडिटर को यूजर्स सर अटेंशन ड्रॉ करने के लिए कौन सा पैरा ईओएम एम पैरा डाला जाएगा प्लस ऑडिटर क्योंकि आधे मन से ऑडिट करे तो वो ट्रू एंड फेयर व्यू जैसी बातें नहीं करेगा एंड लास्ट पॉइंट इज अगर मैं होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर हूं और कंपोनेंट का ऑडिटर हूं ठीक है दोनों का ऑडिटर हूं पेरेंट का भी सब्सिडरी का भी तो क्या सब्सिडरी के लिए मुझे अलग से एंगेजमेंट लेटर देना है क्या था डिपेंड्स डिपेंड्स ऑन व्हाट सबसे पहले तो आपको अपॉइंट किसने किया आपको रिपोर्ट किसको देनी है कमॉन आपको अपॉइंट किसने किया आपको रिपोर्ट किसको देनी है दो बातें क्लियर है हाँ फिर आपने डिग्री लेनी है दो डिग्री चेक करनी है सर डिग्री किस चीज की ये जो सब्सिडी है इसमें क्या डिग्री ऑफ ओनरशिप है पेरेंट एंटिटी का क्या डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस है मैनेजमेंट की फ्रॉम द पेरेंट एंटिटी एंड लास्ट पॉइंट तो बड़ा सिंपल है जैसा लॉ रेगुलेशन कहती है वैसा आप कर सकते हो सो सिक्स मिनट्स थर्टी टू सेकेंड पूरा ऐसे टू हंड्रेड टेन डिटेल में रिवाइज हो गया आई होप यू एंजॉय द रिविजन बस इसी तरह मन लगा के पढ़ते रहें